जाते जाते हैं, आप 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो किशमिश, 1 किलो अखरोट खाता जाऊं? क्या आप भी? अरे किसी के साथ घर पर यहाँ भिजवा देना ये सब। क्यों? क्यों क्या, महावीर जयंती आ रही है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है हाँ। कल तो आनंद आनंद आ जाएगा है, भगवान हमारे घर पधारेंगे। महावीर स्वामी भगवान की जय। आज तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ मजा आ गया। अरे हाँ वो पभावना की सब तैयारी हो गई ना। अरे भाई 2 बजे आ जाना है। हाँ बोलना मत। टप्पू बेटा। अरे हाँ हाँ हाँ। अरे भाई मंडप एकदम अच्छी तरह से सजाना है। और भाई 1 बजे तक हो जाएगा ना? हाँ सब हो जाएगा। 1:30-2 बजे सब मेहमान लोग आ जाएंगे भाई, 2 बजे का फंक्शन है हमारा। अरे टप्पू बेटा जितना पढ़ना उतना पढ़ लो, अभी फिर 2 बजे यहाँ पर आने का है पता है ना? चलो जल्दी चलो चलो चलो। अरे भीड़े भाई सोरी भाई, 2 बजे भक्ति में आने का है याद रखना। और दया पापी जी मैंने सब खरीद लिया, पहुंच जाएंगे आपके पास। आते आते। हाँ चलो बेटे चलो चलिया। हाँ। और लकड़ा दिखना नहीं चाहिए भाई, बराबर लगाना उसके ऊपर सब। अरे चलो सब लोग नीचे राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ बापू जी आ रहे हैं। जी आते होंगे। अरे सोड़ी भाई रोशन भाभी नहीं दिखाई दे रही है? हाँ? रोशन मायके गई है डिलीवरी के लिए। डिलीवरी? रोशन की डिलीवरी? ओ नहीं जी, उसकी भाभी की डिलीवरी है। तो ऐसा बोलो ना। और क्या? ओ जेठा भरा आ गए। शिलानंदन महावीर बोलो, शिलानंदन महावीर बोलो, पावापुरी महारानी जय जय बोलो, महावीर 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 बोलो, महावीर 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 बोलो, झगड़तिया दुनिया ने एक दिन प्रभु के रंग मरंगा वो पड़ से महावीर जिंदा रहे जाओ पड़ से प्रभु महावीर जिंदा रहे जाओ। इंसान तांडव महाराज नारा दो मोने, इंसान तांडव महाराज नारा दो, एक दिन जरूर शर्माओ पड़ से ओम बिना
भाभी आप कैसे हो? अच्छी हूँ, बोलो। अच्छा दया भाभी, आज महावीर जयंती के मौके पे मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। हाँ तो बोलो। दया भाभी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि महावीर जयंती का मतलब क्या है। महावीर जयंती यानी महावीर भगवान का जन्मदिन। इस दिन हम पूजा करते हैं, लड्डू की परिभावना करते हैं, गाते हैं और धूमधाम से ये उत्सव मनाते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा दया भाभी, महावीर जयंती का मैसेज क्या है? संदेश क्या है? हाँ, सदाचार, भाईचारा, एकता, अहिंसा, ये महावीर जयंती का संदेश है। अरे वाह दया भाभी, आपको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, हाँ, अभी मैं गरबा खेलने जाऊँ। जय जिनेंद्र। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह ये गोकुल धाम सोसाइटी हर तरह के त्योहार मनाती है। आप देखते रहिए कल तक रीटा के साथ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे 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 हाथी भाई, यह प्रसाद आपके लिए मैं पूरा बॉक्स भिजवाऊंगा घर पे। जय जिनेंद्र। एक और एक और। हां भले एक और ले लो बस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चाचा जी कैसे हैं आप? अय्यर भाई जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सोनू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नटो काका जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और भाग मत जाना, और काम है। रात को खाना खा के भाग जाऊंगा। जिड़ा भाई जय जिनेंद्र। काफी अच्छा फंक्शन रहा जिड़ा लाल। थैंक यू। जय जिनेंद्र। दोस्तार आपके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वाह जेठिया वाह, आज तो बहुत आनंद आ गया है। भगवान हमारे घर पधारे और सबके साथ मिलके भक्ति करने मिली। हाँ। ले जेठिया ले, इस बात पे मुंह मीठा कर, आज तो बहुत खुश हूँ। ले टपुड़ा तू भी ले। हाँ। ले बेटा बहू को खिला। हाँ। अरे तो बुरा खा के। टपू थक गया, आज जल्दी सो जाना। साहब रहिए ना। बहू आज खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ इसीलिए आज मैंने को ज्यादा है खा लिया बापू जी। अरे वो तो तू रोज खाता है। बापू जी क्या मुखवास तो मुंह से बोल नहीं सकता? बापूजी मुखवास देंगे? अरे लेना भाई। टप्पू बेटा चलो गन्ना खा लो बेटा। लो दादाजी छील के दीजिए ना। मैं? ला ला मैं छील के देता। दादाजी को कहाँ बोल रहे? ला ये देख मेरा दांत एकदम मजबूत है देख। अरे वाह। तो इसको बोलते हैं मजबूत दांत। तो ये सब छील देना। ओके सब छील दूंगा। कुछ भी कहो कोमल, आज बहुत मजा आ गया। हाँ महावीर जयंती के भजन में ना। अरे नहीं नहीं दया भाभी ने जो लड्डू बनाए थे ना उसको खाके। तुम भी ना।
खाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। तो और क्या सूझे कोमल, तुम्हें तो पता ही है आजकल तो पेशेंट भी आने कम हो गए हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर मैंने 50% का डिस्काउंट दिया है, राइट, फिर भी कोई पेशेंट नहीं। शायद पेशेंट है। हेलो डॉक्टर हाथी स्पीकिंग। हेलो डॉक्टर हाथी, डॉक्टर कुटकुटिया स्पीकिंग। हाँ डॉक्टर कुटकुटिया, कैसे हैं आप? बहुत बुरा हाल है। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारे डेंटिस्ट के प्रोफेशन में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, हर गली में एक डेंटिस्ट पाया जाता है। कंपटीशन कहाँ नहीं है, देखिए हम जनरल फिजिशियन है, हमारे पास भी कंपटीशन है। बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए हैं आजकल, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर हाथी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बताइए आप ही। डॉक्टर हाथी मैं आजकल फ्री डेंटल चेकअप कैंप करता हूँ। अच्छा, अरे इसीलिए तो आपको फोन किया है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है डॉक्टर कुटकुटिया, पक्का पक्का। ओके डॉक्टर हाथी, बाय। अरे वाह मजा आ गया। ये किस वजह से इतने खुश हो रहे हो? डॉक्टर कुटकुटिया की बातों से एक सॉलिड आइडिया मिला। अच्छा क्या? वो क्या है ना, डॉक्टर कुटकुटिया अपनी सोसाइटी में एक फ्री डेंटल कैंप रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ मैं भी एक फ्री जनरल कैंप रख दूं। लेकिन फ्री हेल्थ चेकअप कैंप से हमारा क्या फायदा? फायदा है कोमल, फायदा है। पेशेंट आएगा चेकअप कराने के लिए, चेकअप कराएगा तो उसको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। हाँ। उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो वो ट्रीटमेंट कराएगा, और ट्रीटमेंट तो हमसे ही कराएगा ना, तो ट्रीटमेंट कराएगा तो फीस भी मिलेगी ना, राइट? क्यों, सही बात है कि नहीं? लेकिन हमारी सोसाइटी में क्यों? चैरिटी बिगेंस एट होम कोमल, वैसे भी हमारी सोसाइटी में मंडप लगा हुआ है तो खर्चा भी बच जाएगा, इसीलिए कैंप हम कल ही करेंगे। वाकई में हाँ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। थैंक यू, अपने लिए लेके आओ ना कोमल, प्लीज। इसमें क्या, तुम भी भाव दो कुल्फी देना। माधवी एकच। क्यों, मैं नहीं खाऊं? अरे तुम ही खाओ, मुझे प्रॉब्लम है। हाँ एक ही देना। क्या बात है, आज तो मंडी इधर जमा है। हाँ जेठालाल, क्या है कि तुमने भाड़े से इतनी सारी कुर्सियां मंगाई थी तो हमने सोचा कि अब्दुल के दुकान पर खड़े रहने से अच्छा है यहीं पे बैठा जाए। जेठा भाई आप खाएंगे कुल्फी? अरे बिल्कुल, भिड़े भाई खिलाएंगे तो हम क्यों नहीं खाएंगे कुल्फी। आओ आओ बैठो बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल बैठूंगा ना भाई। बोलो बबीता जी, कुर्सी का भाड़ा मैं दे रहा हूँ और वसूल ये अपना भिड़े कर रहे। बोला क्या हुआ, क्या हुआ क्या? अरे दया भाभी सब कुछ ऊपर से ही पूछोगी, जल्दी नीचे आओ सब पता चल जाएगा। अरे कुल्फी खानी है कि नहीं? हाँ हाँ तो आ जल्दी आ नीचे। अरे आइए आइए। जेठालाल ये जो मंडप है उसको कब निकालोगे? क्या है दया भाभी ने कहा था कि 2 घंटे में फंक्शन खत्म हो जाएगा, अभी तक निकला नहीं है। अरे भाई निकला नहीं है तो निकल जाएगा, तुमको कहाँ नड़ रहा है भाई? देखो सवाल नड़ने का नहीं है जेठालाल, क्या है सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, अभी जैसे नियम क्रमांक 10। बस भाई यह मंडप कल सवेरे हट जाएगा बस। नहीं नहीं मंडप अभी मत हटवाइए, मंडप अभी मत निकालिए। हाँ क्यों? बताता हूँ बताता हूँ, जरा बैठने तो दो, जरा एक कुल्फी उल्फी खाने दो। हाँ भाई कुल्फी दे दो यार एक दो। अरे दो से क्या होगा हाथी भाई आपका, 5-6 दो भाई। अरे नहीं नहीं दो से काम चलेगा। आओ दया भाभी बैठो तब बताओ। ओ भाई जरा कुल्फी तो दो। अच्छा हाथी भाई अभी बताएंगे कि ये मंडप क्यों नहीं निकालेंगे? बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर कुड़कुड़िया जो डेंटिस्ट है, मैं और वो मिलके अपनी सोसाइटी में एक सोशल सर्विस कैंप करना चाहते हैं। आप डॉक्टरों के सर्विस करना चाहते हैं? क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है सोडी, मैं और वो मिलके अपनी सोसाइटी में एक फ्री हेल्थ एंड डेंटल चेकअप कैंप करना चाहते हैं। फ्री हेल्थ और डेंटल चेकअप, ये तो बहुत चंगी गल है यार। हाँ ठीक है सोड़ी, लेकिन हाथी भाई इसके लिए आपने सोसाइटी को कोई लेटर या परमिशन लिया आपने? अभी ले लेता हूँ सेक्रेटरी साहब, कल सुबह कैंप लगाना है तो आप परमिशन दे रहे हैं? हाँ लेकिन कल ही क्यों? इसलिए क्योंकि मंडप भी लगा हुआ है, फिर बच्चों के वैकेशन शुरू हो जाएंगे, टप्पू एंड गैंग सोसाइटी में कुछ करने नहीं देंगे।
वैसे डॉक्टर हाथी की ये बात तो बिल्कुल सही है। आत्माराम देखो, डॉक्टर हाथी एक नेक काम के लिए परमिशन मांग रहे हैं, तो उनको वो परमिशन दे दो। नहीं अय्यर साहब, मैं परमिशन दे दूंगा, लेकिन सोसाइटी कंपाउंड का भाड़ा। क्या बात कर रहा है भिड़े है? डॉक्टर हाथी फ्री हेल्थ चेकअप और डेंटल चेकअप के लिए ये कर रहे हैं और तू भाड़े की बात कर रहा है? अरे छोटी भाई, इसका बस चले ना तो ये कंपाउंड में चलने का भी हमसे भाड़ा वसूल करे। देखो जेठालाल, मुझे इतना विलन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े डॉक्टर हाथी को सोसाइटी कंपाउंड को इस्तेमाल करने की परमिशन देता हूँ। और मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा यह मंडप फ्री में इस्तेमाल करने की परमिशन देता हूँ। तो फिर ठीक है, कल सुबह 9:30 बजे हम सभी यही मंडप में मिलेंगे, ठीक है? और एक बात का ध्यान सभी लोग रखेंगे, कोई भी कुछ भी खा के नहीं आएगा, क्योंकि ये डेंटल चेकअप है ना। अरे भाई, तो जिसको जो खाना अभी से खा लो, 3-4 कुल्फी बुल्फी डॉक्टर साहब आप भी ले लो, 5-6। भगवान महावीर आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रादुर्भाव हुआ और आज हमने उनकी जयंती मनाई। उनके सिद्धांत आज भी कितने प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें कहा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। आज भी अगर हम देखें, अगर हम उनके सिद्धांतों को अपना लें तो ये दुनिया वैसी हो जाए जिसका संदेश उन्होंने दिया था। सत्य, जिसके बोलने से ये दुनिया सरल हो जाए। अहिंसा, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। अपरिग्रह, अगर आप और हम अपना लें तो जीवन में लालच ही न रहे। अस्तेय, न जाने कितनी चोरियां हम करते हैं, विचारों की, धन की, करों की, ठीक हो जाए सब कुछ। और ब्रह्मचर्य, अगर ये सारे सिद्धांत अपना लिए जाएं तो जीवन कितना सरल और दुनिया कितनी सुखी हो जाए। वैसे कितना अद्भुत संयोग है, आज भगवान महावीर की जयंती, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे डॉक्टर हाथी ने बात तो बहुत अच्छी कही है कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप होना चाहिए। अच्छी बात है ना? और मैं जानता हूं गोकुलधाम सोसाइटी में आज भगवान महावीर जयंती के दिन ये निर्णय हुआ है कि ये फ्री चेकअप कैंप हो, ताकि यहां कुछ लोगों की सेवा हो सके। आप भी एक बीड़ा उठाइए, सेवा कीजिए पराश्रितों की, निराश्रितों की, असहाय लोगों की, और फिर देखिए उनके चेहरे की मुस्कान आपके दिलों में भी कितनी खुशी पैदा करती है। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रोदे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। नमस्कार। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।